दिस इज़ डॉक्टर अतर मंसूर फ्रॉम ट्रैक्स। आज के शो में मैंने वकास इकबाल को इनवाइट किया है एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। वकास, ये बताइए कि स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि ये बड़ी मीडिया में आजकल लाइमलाइट में है, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है, पाकिस्तान के फेवर में है, ये स्टेटमेंट है क्या? सर थैंक यू, आपने इस टॉपिक को आज ट्रैक्स की व्यूअर्स के लिए सिलेक्ट किया। जब भी कोई डिप्लोमेटिक डिग्नरी स्टेटमेंट देता है या देती हैं तो उसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर करती है, ना वो अगेंस्ट होती है ना वो फॉर होती है किसी कंट्री की, बट इसलिए उसे डिप्लोमेसी कहते हैं। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है, तो मैं एग्जैक्टली पहले वो पढ़ना चाहूँगा जो उनकी स्टेटमेंट है, sure. तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इफ़ यू अलाउ मी। जी। एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर, दैट्स द फर्स्ट सेंटेंस। अच्छा, फिर कहते हैं एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, सेकेंड सेंटेंस है। फिर कहते हैं so far Jammu and Kashmir is concerned 370 is done. अच्छा, फिर कहते हैं so the issue today is what kind of relationship can we contemplate with Pakistan, we means India. अच्छा, फिर कह रहे हैं राजीव, उधर एक तकरीब थी बुक लॉन्च की जिसमें उनसे सवाल हुआ, तो इन्होंने किसी को कोट किया जो इनसे शायद पहले स्पीकर थे या किसी जर्नलिस्ट का नाम था, राजीव सजेस्ट दैट पाकिस्तान कंटेंट राजीव सजेस्ट दैट सॉरी इंडिया कंटेंट टू कंटिन्यू द करंट लेवल ऑफ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो उसके जवाब में वो कहते हैं मे बी येस मे बी नो। ओके, फिर एंड पे कह रहे हैं बट वी आर नॉट पैसिव। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी रीजनल इवेंट्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करेंगे। अब इसको ज़रा डीकोड करते हैं। इसमें पहली बात इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे पहले जितने भी डायलॉग के प्रोसेस चले हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके बारे में एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट हैं जो पाकिस्तान में भी सर्व कर चुके हैं, मानी शंकर आयर, अब उनकी एफिलिएशन कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस पार्टी के एमपी हैं वो, इस वक्त अगर नहीं भी हैं पहले ज़रूर थे। तो उनका ये कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान ने अगर कुछ कंक्लूड करना है डिप्लोमेसी से, कोई रिजल्ट्स प्रोडक्टिव लेने हैं, तो इनको कम वर्ट में जो भी इवेंट कोई हो होता रहे बट अनइंटरप्टेड डायलॉग चलाना होगा, ये उनकी स्टेटमेंट थी। अब जो करंट फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज़ ओवर, दैट पाकिस्तान में कोई ये ना समझे कि हम अब उसे कंटिन्यू करेंगे, यानी आज का जो डायलॉग होगा वो नए अंदाज से शुरू होगा। फिर वो कह रहे हैं एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, अगेन इट इज सॉर्ट ऑफ एरोगेंट स्टेटमेंट वन कैन से, कि कोई एक्शन होगा तो फिर उसका रिएक्शन भी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर आगे उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि एज फार एज जम्मू कश्मीर इज कंसर्न 370 इज डन, यानी ये आप इस खुश फहमी या गलत फहमी में ना रहें कि अगर हम किसी डायलॉग में इंगेज होंगे तो आर्टिकल 370 रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर हम डिस्कस करेंगे इवन, राइट? अच्छा, ये कैटेगोरिकली उन्होंने कैटेगोरिकली ना, ये एक किस्म की ना वो डस्ट क्लियर करना चाह रहे हैं थोड़ा सा कि अगर कभी डायलॉग हुआ मतलब नियर फ्यूचर में या फार फ्यूचर में। और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि किस किस्म का ताल्लुक इंडिया और पाकिस्तान का बन सकता है या बनना चाहिए। एक ख्याल ये है उनके मुताबिक कि जैसा अभी चल रहा है वैसा चलता रहे, यानी इससे वो ये बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान को शायद इंडिया की ज़रूरत हो सकती है बट इंडिया को ऐसे कोई मसला नहीं है, इस वक्त जो पैसिव या कोल्ड सा रिलेशनशिप चल रहा है ना ये चलता रहे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आगे उन्होंने एम्बिग्यूटी क्रिएट की है, ये डिप्लोमेसी में समटाइम्स करते हैं लीडर्स, मे बी येस मे बी नॉट। तो ये मे बी येस और मे बी नॉट जो स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और जो स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो फॉरेन पॉलिसी पंडित्स हैं, ये उनके लिए एक्चुअली एक पीस ऑफ थॉट है, राइट, कि वो इसको समझने की कोशिश करें। तो बाकी उन्होंने स्टेटमेंट शायद इसलिए दी है कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में SCO की समिट स्केड्यूल्ड है पाकिस्तान में, राइट। जाहिर सी बात है जो करंट गवर्नमेंट है
उसका रिपोर्ट कार्ड अभी तक खाली चल रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स पे। वो चाहते हैं कि इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अटेंड करें, क्योंकि इंडिया भी मेंबर है एससीओ का। तो अब मे बी ये कोई सिग्नलिंग हो रही है। अब सिग्नलिंग का हमें पता तब चलेगा कि उनकी तरफ से आता कौन है, वो आते भी हैं या नहीं आते, या सिर्फ एक डिप्लोमेट अटेंड कर लेता है उनकी तरफ से आके। तो ये अब इसका आगे जाके मुस्तकबिल में थोड़ा सा वाज़ह होगा कि इस स्टेटमेंट से निकला क्या है। राइट राइट। अच्छा वकास, ये भी देखने में आ रहा है आम मुशाहदे में दुनिया में कि, और बहुत सारे लोग इस पर ओपिनियन भी लिख चुके हैं, बहस भी कर चुके हैं, डिबेट भी कर चुके हैं, डिलिब्रेशंस भी हुई हैं, कि इंडिया रिसेंटली कुछ अरसे से, कुछ दहाइयों से, एक दो दहाइयों से एक्ट कर रहा है एज अ ग्रेट पावर। तो ये क्या है, ये व्हाई इज़ इंडिया ट्राइंग टू, ये कोई हेजेमोनिक, पहले तो हम कहते थे इसको रीजन में, अब तो वो शायद इस रीजन से भी बाहर को देख रहा है, एक्सटर्नली इस रीजन से बाहर निकल के इस एशिया लेवल पे, बल्कि वर्ल्ड स्टेज के लेवल पे वो अपने आप को कंसिडर कर रहा है एक बहुत बड़ा मुल्क जो एक ग्रेट पावर की तरह एक्ट कर सकता है, बल्कि रिएक्ट भी कर सकता है, सिर्फ एक्ट ही नहीं बल्कि रिएक्ट भी कर सकता है। तो ये क्या वजूहात हैं, इसको थोड़ा ज़रा इस पर लाइट थ्रो करें। सर ये काफ़ी हद तक बात ठीक है, इस तरह से कि मुझे लगता है कि इंडिया की एक चाइल्डिश विश है जो जब से इंडिया ने कंटिन्यू किया है पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बाद, उनकी ये ख्वाहिश है कि उन्हें सुपर पावर ना सही तो कम से कम ग्रेट पावर तो समझा ही जाए। इसमें थोड़ा सा ब्रिटिश कॉलोनियल पास्ट भी आ जाता है कि इंडिया को कहा जाता था कि ये गोल्डन स्पैरो है, सोने की चिड़िया है, तो एक वो भी उनके माइंड में बात बैठी हुई है। और फिर इंडियन स्टेट का साइज़, इंडियन मार्केट का साइज़, इंडियन पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ, और फिर जो इस वक्त इंडिया का अलायंस है यूएस के साथ जो कि एक मैच्योर शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है, और उसके रीजनल फिर इम्पैक्ट्स हैं, और प्लस ये कि इंडिया ने जो बैलेंस स्ट्राइक रखा हुआ है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, तो उनको ये सब काम करने से लगता है कि हम ग्रेट पावर बन चुके हुए हैं। तो वो ज़रा ना इस थोड़ा सा उनका टोनर टोन और टैनर जो है ना वो ज़रा एरोगेंट लगता है। लेकिन देखें, अगर हम यूएस की बात करें, फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, या रशिया की बात करें, ये तो वेपन्स मैन्युफैक्चरर हैं। अगर मैं मिलिट्री इंडस्ट्री की बात कर लूँ, ये एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया की कोई बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं है। टाटा के साथ लेट्स से लॉकहीड मार्टिन का मर्जर अगर प्रैक्टिकल शेप में आता है तो एशिया के अपने कस्टमर्स के लिए यूनिट इंडिया में लगेगा, लगाएगी तो लॉकहीड मार्टिन ना, इंडिया खुद तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो पहली बात तो इंडियंस को ये समझना चाहिए कि जो एक्चुअल ग्रेट पावर या सुपर पावर्स हैं वो आर्म्स सेलर हैं, आर्म्स बायर नहीं है। तो इंडिया दुनिया में दो तीन दफ़ा आर्म्स बायर बिगेस्ट रह चुका है, नंबर फर्स्ट नंबर पर रह चुका है। तो इंडिया को लगता है कि मैं ग्रेट पावर इस तरह बन जाऊँगा और मुझे समझा जाए, ठीक है। राइट right. लेकिन मेरा ख्याल है वकास, इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकली मेरा ख्याल है व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि 1 एडी से लेके 1800 एडी तक, जब ये ग्लोबल जो पावर का जो पिवट है ये शिफ्ट हुआ वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ, उससे पहले ये जो ग्लोबल पावर का पिवट था ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में चाइना और इंडिया के पास था। yes. तो ये दोनों जाइंट्स थे इकोनॉमिकली, जैसे आपने बात की पहले, अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ें तो मुगल ईरा जो था, गोल्डन स्पैरो का आपने जिक्र किया, ब्रिटिश ने इसको कहा, और उससे पहले सल्तनत पीरियड था, और उससे पहले जब इंडिया और चाइना के भी आपको पता है कि बहुत बड़ा सिल्क रूट था जो शी जिनपिंग ने रिवाइव किया बीआरआई की सूरत में। तो इंडिया और चाइना का मेरा ख्याल है हिस्टोरिकली भी ये एरोगेंस उनमें आनी रिवाइवल है एरोगेंस का, क्योंकि एरोगेंस तो नहीं मैं कहूँगा इकोनॉमिक सुप्रीमेसी की वजह से, क्योंकि ये दोनों इकोनॉमिक सुपर पावर्स रह चुके हैं हिस्टोरिकली 1700-1800 साल के लिए, और ये थोड़े से पीरियड के लिए बहुत सारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं जिसमें किशोर महबूबानी एक सिंगापुरियन फॉरेन सर्विस के एक डिप्लोमेट हैं, उन्होंने भी लिखा है कि जी ये अब जो सेंचुरी है, ये वाली सेंचुरी, एशियन सेंचुरी है, क्योंकि अब इकोनॉमिकली इंडिया और चाइना ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज होंगे इसी सेंचुरी के अंदर ही, और गोल्डमैन सैक्स की प्रेडिक्शन भी है। तो शायद ये भी वजह है कि इंडिया अपने टीथ जो है वो निकाल रहा है, और आप ठीक कह रहे हैं कि उसकी ये ख्वाहिश है कि वो अगर सुपर पावर नहीं तो ग्रेट पावर के तौर पे उसे लिया जाए और इकोनॉमी भी उनकी अच्छी ग्रो कर रही है,
साइज भी बड़ा हमारे कंपैरिजन में, बांग्लादेश श्रीलंका के कंपैरिजन में तो अच्छी ग्रो कर रही है, बट अगर उसका जो ओपोनेंट है चाइना, जिस पे यही फॉरेन मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि चाइना एक तरफ हमारा नेबर भी है, यानी इंडिया का नेबर भी है, और एक तरफ वो ग्रेट पावर भी है, right. तो यानी उसका ड्यूअल चैलेंज है टुवर्ड्स इंडिया, ऐसे ही है। और शायद चाइना उससे ज्यादा काफी बड़ा हो चुका हुआ है कई गुना, और इंडिया को शायद बड़ा टाइम लगेगा उस तक पहुंचने में, और क्योंकि इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चाइना ने किसी और तरीके से, चाइना ने तो सारी चीज़ों को नलिफाई कर दिया ना जनरल, ये जो 30-40 साल की उसकी ग्रोथ है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को उसने चैलेंज कर दिया है। डेमोक्रेसी शायद इतनी बड़ी वेलफेयर नहीं ला सकी कहीं दुनिया में जितना चाइना इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ले आया। वो जो डेमोक्रेसी का बबल क्रिएट किया गया था कि डेमोक्रेसी ब्रिंग्स पीस, डेमोक्रेसी ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोशल वेलफेयर, वो चाइना ने काफी, चाइना ने वो चाइनीज जो वे ऑफ जो आइडियोलॉजी है और जो उसका सिस्टम है पॉलिटिकल इकोनॉमिक, उसने काफी कुछ अपसाइड डाउन टर्न कर दिया। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि व्हाट आर द मेजर स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ्स को ना दो अंदाज से देखा जा सकता है। एक तो वो हैं जो बड़ी विजिबल नज़र आती हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि उन्होंने बैलेंस स्ट्राइक अच्छा रखा हुआ है, ठीक है, उनका टिल्ट और उनके शिफ्ट आया है यूएस की तरफ, बट उन्होंने रशिया से अभी भी अपना ताल्लुक कायम रखा हुआ है, राइट। तो ये तो एक उन्हें क्रेडिट चाहता है, लेकिन मेरे ओपिनियन में इंडिया ने जो अपना पिछले 20-25 सालों में सॉफ्ट पावर का एक टूल डेवलप किया है एज ए स्ट्रेटजिक टूल इन देयर फॉरेन पॉलिसी टूल किट, वो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा जो है ना पे ऑफ कर रहा है, और उसमें उनका शाइनिंग इंडिया का पर्सपेक्टिव फैलाने में बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, फिर अब आजकल नेटफ्लिक्स का दौर है, अमेज़ॉन का दौर है, तो इन ये भी इस बड़ी इंडिया की जो बड़ी इंडस्ट्री, उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, सीजन बने। अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो दानियाल के साथ की जो इंडिया में एक डॉक्टर का रेप का वो हुआ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अब ये कोई तकरीबन 12 साल बाद इस तरह का एक बड़ा वाकया हुआ है। दिल्ली में पहले हुआ था कि एक सॉर्ट ऑफ पैसेंजर वैन में, बाकी तो शायद बहुत होते हैं लेकिन ये जरा हाई मीडिया हाइप, मीडिया हाइप, तो पैसेंजर वैन में एक लड़की का रेप कर दिया गया था, वो 12 साल पहले था, जी 12 साल पहले था। और अब देखें, इस तरह का वाकया इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, आपको पता है कि बड़ी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, और उसका फिर रिजल्ट भी निकलता है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं निकलता। तो इंडियंस की क्वालिटी ये है कि वो अपनी वीकनेस को या अपने यहाँ हुई किसी बुरी चीज़ को भी ना अपने नैरेटिव बिल्डिंग सेट में ना उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के दिखाते हैं। अब वो जो 12 साल पहले दिल्ली में वाकया हुआ था ना, उसकी जब इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी मुकम्मल की गई और सारे बंदे पकड़ लिए गए इंक्लूडिंग द मेन कल्प्रिट, उस पर उन्होंने बड़ा बेहतरीन सीजन बना दिया, सीजन के उन्होंने उसमें बता दिया कि देखें इंडिया की आबादी इतनी है, दिल्ली की आबादी इतनी है, और इतने रिसोर्सेज हैं, और इतनी सारी चीज़ों पर नज़र रखना पॉसिबल नहीं, फिर भी हमने ये अचीव करके दिखाया। तो अब ये जो वाकया कोलकाता वाला हुआ है ना, लेडी डॉक्टर वाला, साल या दो साल गुजरने दें, इस पर भी एक बड़ा अच्छा सा सीजन आ जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी, शुरू में क्रिटिसाइज कर रही होगी, बाद में उन्हें अप्रिशिएट करेगी, नहीं यार ये काम भी करते हैं। सो दिस इज द वे इंडिया बिल्ड्स नैरेटिव फॉर द फॉरेन पॉलिसी एंड अदर थिंग्स एंड सेल देयर सेल्फ अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट, चलें लास्ट क्वेश्चन विकास के, हाउ हैज इंडिया यूटिलाइज्ड इट्स डायस्पोरा थ्रू कल्चरल डिप्लोमेसी, क्योंकि इंडिया ने बड़ी अच्छे तरीके से अपने डायस्पोरा का अक्रॉस द वर्ल्ड स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में, अभी आपने बताया भी है इनकी जो अलायंस है इंडिया यूएस की, ये बड़ी सॉलिडिफाई हो गई है पिछले कुछ सालों में। आपने खुद ही नॉर्थ अमेरिका का जिक्र कर दिया, मैं व्यूअर्स को बताता चलूं, इंडिया ने अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी का जो एक फुटप्रिंट डेवलप करना, स्पेशली यूएस, यूएस कनाडा के साथ तो कुछ इश्यूज, फुटप्रिंट डेवलप करना शुरू किया ना, तो ये मिड 90s में समवेयर 96-97 में एक मूवी आई थी परदेश, शाहरुख खान की, उसके गाने भी बड़े मशहूर हुए थे, तो वो यूएस में जो इंडियन डायस्पोरा है ना उसको फोकस करके बनाई गई थी, और वहां से इन्होंने बिगनिंग ली, और उसके बाद यू नेम देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मूवीज, तो वो अपने डायस्पोरा के मसाइल भी हाईलाइट करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी बताते हैं, और आज उनका डायस्पोरा उनकी एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेंथ बन चुका हुआ है, और उसमें क्रेडिट बॉलीवुड का को भी जाता है, इंडियन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को भी जाता है, और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, कि ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। राइट, तो ये है इनकी एक साइनर्जी। चलें, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू विकास, आपने ये बड़ा अच्छा जो ये रिसेंट एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने इंडिया के जो स्टेटमेंट दिया है उससे हमने स्टार्ट की डिस्कशन व्यूअर्स, और विकास ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया और बताया कि ये डिप्लोमेसी में कैसे वो उन्होंने इसको एम्बिगुअस भी रखा है और एम्बिगुअस नहीं भी रखा,
और बस ये एक ऐसा एक तरीका एक आर्ट है मेरा ख्याल है डिप्लोमेट्स को आता है अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसके अलावा इंडिया के ऊपर हमने थोड़ा सा कि इंडिया का एम्बिशन क्या है रीजन में और इंटरनेशनली ग्लोबली इंडिया के क्या एम्बिशन हैं और इंडिया ने अपने डायस्पोरा को कैसे यूज़ किया और इंडिया ने अपनी हिस्ट्री को जो पिछले 1700-1800 साल पहले 180 से लेकर 1800 तक थी उसका रिवाइवल की तरफ चाइना और इंडिया आ रहे हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है कि ये दोनों ममालिक जो हैं ये दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज होंगे। और डेफिनेटली इकॉनमी जो है वो क्लिंटन का बड़ा मशहूर है ना, इट इज़ द इकॉनमी स्टूपिड, तो वो इकॉनमी ही जो है वो आजकल है, इकोनॉमिक वॉर्स ही होंगी, इकॉनमी प्लस नैरेटिव बिल्डिंग बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा, इन अ डिजिटल एरा। सो इंडिया ने बड़े अच्छे तरीके से इसको लेवरेज कर रहा है, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए भी लेसन हैं इसमें और हमें सीखना चाहिए कि हम क्या इसमें से देख के मॉडिफाई करके अपनी फॉरेन पॉलिसी लोकल पॉलिसी में अपने कॉन्टेक्स्ट अपनी आइडियोलॉजी अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने लॉज अपनी सोसाइटी के मुताबिक उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, जॉइन ट्रैक्स।